आदरणीय भगवान, आपको जानकारी है अमेरिका और जापान की कारगुजारियों के चलते भारतीय शेयर मार्केट के मुंह पर कलंक लग चुका है। भयंकर गिरावट आई है, लेकिन इस दौरान भी मेरा नहीं, बड़े बड़े दिग्गज एक्सपर्ट्स का, फंड मैनेजर्स का कहना है कि जापान की तुलना में भारतीय शेयर मार्केट बहुत कम गिरा है। बहुत कम गिरावट आई है हमारे शेयर मार्केट में, वह भी दूसरों के कारण आई है। भारतीय शेयर मार्केट बेहद मजबूत है, उसमें गिरावट से टप्पा खाने की क्षमता अभी भी मौजूद है। खास तौर पर अगर अमेरिका में ब्याज दरें कटती हैं तो उसका सीधा लाभ भारतीय आईटी कंपनियों को मिलता है। जो भारतीय आईटी कंपनियां कुछ 5-6 दिनों पहले तेज गति से ऊपर चढ़ रही थी, मेरे क्लाइंट्स बढ़ चढ़कर बोल रहे थे कि आईटी सेक्टर में निवेश करना है, निवेश करना है, कौन सा शेयर खरीद लें, खरीद लें, खरीद लें। उन सभी से मेरा निवेदन है कि महोदय, पिछले 5 दिनों में क्या बदला, क्या बिगड़ गया? आईटी सेक्टर में ये जो गिरावट है वो बहुत सुनहरा मौका है। ब्याज दरें कटेंगी और यदि मार्केट में गिरावट के चलते ब्याज दरों में कटौती ज्यादा की जाती है तो वो आईटी कंपनियों के लिए सोने पर सुहागा होने वाला है। ध्यान सिर्फ यह रखना है हमें कि अभी गिरावट कितनी गहराएगी ये पता नहीं है, इसलिए किसी भी लेवल पर चढ़ चढ़ के भर भर के नहीं खरीदना है। किस्तों में खरीदने का रुझान रखिए। किंतु महोदय, यदि आप मेरे क्लाइंट नहीं हैं तो मैंने जो कहा है उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दीजिए। ये वीडियो शिक्षात्मक था आपकी सेवा में। हाँ, यदि आपको मेरी रिकमेंडेशन चाहिए तो नेक काम है, देरी मत कीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है लिंक, उस पर क्लिक करके अभी के अभी मेरा क्लाइंट बन जाने की कृपा कर दीजिएगा। मान्यवर।